दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं। इसके लिए हमारे दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, बेटर प्लान होता है, बेटर अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर भी मिलता है। लेकिन हम अपने आइडियाज़, अपने प्लान को ड्रॉप कर देते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, उस सुनहरे अवसर को खो देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस काम को शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं, इस काम के लिए यह सही समय नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी है, और फिर हम आने वाले चैलेंज और असफलता के डर से भयभीत हो जाते हैं और बिना कोशिश किए ही उस अपॉर्चुनिटी, उस आइडिया, उस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं और इस तरह फिर वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो सुनहरे अवसर आते हैं, वो अपने साथ डिफिकल्टीज, अनसर्टेनिटी और चैलेंज लेकर आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इन डिफिकल्टीज, चैलेंज को फेस करने का साहस होता है और वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं कई साल पहले मिलता था, तब वो कुछ करना चाहते थे, उनके पास अच्छा प्लान भी था। जब दोबारा एक साल बाद मैं उनसे मिला और पूछा कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसने बताया कि अब उसके पास एक मस्त प्रोजेक्ट है और जल्दी ही वो शुरू करने वाला है। और अब जब 5 साल बाद उससे मिलता हूँ तो पता चलता है अब भी वह उसी कंपनी में जॉब कर रहा है जिसमें 5-6 साल पहले कर रहा था। वह कभी उस कम्फर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाया। दोस्तों, जब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास आइडियाज होता है, एक बेटर प्लान होता है, हमें अपने प्लान की सफलता पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब हम उस प्लान पे एक्शन नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा उत्साह और कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं और फिर उस प्लान को हम ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, आपके पास कितना भी बेहतर प्लान हो, कितना भी बेटर प्रोजेक्ट हो, जब तक आप अपना पहला कदम नहीं बढ़ाते, जब तक शुरू नहीं करते, आप कहीं नहीं पहुँच सकते। अगर आपको लगता है कि आप शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त बैकअप नहीं है, उचित बैंक बैलेंस नहीं है, या सब चीज़ें अभी परफेक्ट नहीं है, दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ बड़ा करने के लिए हम 100% रेडी कभी नहीं होते, हम पूरी तरीके से तैयार कभी नहीं होते। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कमी हमेशा होता ही है। हम बड़े फैसले नहीं ले सकते, बड़े कदम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम पहला छोटा कदम बढ़ाकर शुरू तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आखिर कब तक हम अपने आइडियाज़, अपने प्लान को सोचते और उसे ड्रॉप करते रहेंगे? हमारा जो आइडिया है, जो हमारा प्लान है, जो बिजनेस, जो स्टार्टअप, जो स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसे हमें बस शुरू करने की आवश्यकता होती है। समय अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षक होता है। एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो फिर हम उसे सीखते जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और फिर एक दिन सक्सेस को अचीव करते हैं। दोस्तों, एक सच्चा बिजनेसमैन, एक सफल आदमी, एक ट्रू एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कुछ करता है, वो नहीं जो सिर्फ सोचता है। दोस्तों, अब बस बहुत सोच ली, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, उस ऊंचाई पे उड़ना चाहते हैं, तो आपको पहला कदम बढ़ाना ही होगा, शुरुआत तो करनी ही होगी। दोस्तों, अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना है तो आप मेरे चैनल के पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए जो मैंने लगभग 8 महीने पहले बनाया था। आपको उस वीडियो और आज के इस वीडियो में जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। वो वीडियो परफेक्ट नहीं था, अप टू मार्क नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे पास जो नॉलेज था, जो भी साधन थे, मैंने बस उसी से शुरुआत की थी। और आज आप जैसे 3,40,000 भरोसेमंद और स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर्स की फैमिली है। मैंने प्रत्येक दिन अपने एक्सपीरियंस से सीखता गया, अपने नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप किया। मैं हर रोज कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ और अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करता हूँ, और इस तरह मैं एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते जाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात मैं कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उड़ने का मज़ा भी आएगा। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कर लाल बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।